इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोर्फो की मशीन के बारे में। मोर्फो की मशीन आपको लेनी चाहिए या नहीं, आज के टाइम में इसका वर्क होता है या नहीं, बेसिक तौर पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक फिंगरप्रिंट मशीन लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट यहाँ पर मोर्फो की मशीन ही रहेगी। यहाँ पर जितने भी मॉडल होते हैं एंड्रॉयड के, उसके अंदर आपकी मोर्फो की मशीन काम कर जाएगी। बस सिर्फ आपको उसमें OTG वर्क होना चाहिए और इसको आप बेसिकली सारे कामों में यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट लेने लगे, किसी भी तरीके के किसी भी काम के वर्क में आप इसको यूज़ में ले सकते हैं और बहुत ही यूज़फुली ये चीज़ रहती है। अब इसकी कंडीशन में बताऊँ, ये मेरे पास कितने दिन से है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम मेरे पास से 1.5 से 2 साल से है और आज तक इसमें कोई भी इशू नहीं आया है, ना तो इसके फिंगरप्रिंट में। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस चीज़ में और ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है इस चीज़ के लिए। और बहुत सारी तरीके की मशीन्स आती हैं लेकिन अलग अलग कंडीशंस पे रहती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो लगे यहाँ पर मोर्फो की मशीन है। तो वैसे तो यहाँ पर आजकल इन चीज़ों का यूज़ बहुत कम हो रहा है क्योंकि सिम ज़्यादातर इससे ही एक्टिवेशन होती थी, लेकिन बट अब इससे एक्टिवेशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप बेसिक काम के लिए इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है, इससे अच्छी मशीन मेरे यूज़ में नहीं है आपको फिंगरप्रिंट स्कैन देने के लिए। तो ये था मेरा ओपिनियन, आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं और काफ़ी जगह पर तो आपको फ्री भी मिल जाती है। वैसे इसका जो प्राइस है 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये मिल जाती है, ईजिली कम में भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जगह जगह की बात रहती है, आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर के लिए ले रहे हैं किसी को बैलेंस वैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए, और या फिर कंपनी आपको देती है तो वो बहुत कम प्राइस में हो जाती है। लेकिन आप खुद से ख़रीदते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये के रेट में ही आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा रिव्यू मोर्फो की मशीन के बारे में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।